ये मोहम्मद शमी का फार्म हाउस है भाई, घर पहले भी ये भी मेरे फादर के साथ खेले हुए हैं, मतलब सब जितने भी चाचा ऊंचा चाचा ने पापा ने मन रहा मोहम्मद शमी का प्रैक्टिस ग्राउंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। फिर से तो मैं खड़ा हूँ भाई अभी अमरोहा के रेलवे स्टेशन पे, अमरोहा उत्तर प्रदेश UP 23। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ भाई, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मोहम्मद शमी तो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो दिखाएगा अमरोहा में। तो ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है भाई, और मैं यहाँ पर आ आया हूँ और मैं जाने वाला हूँ आज मोहम्मद शमी का घर यहाँ पर कहाँ पर है भाई वो देखने के लिए। और मेरे साथ में एक मेरे दोस्त हैं भाई। तो अमरोहा में भाई मोहम्मद शमी का घर कहाँ पर है आप ये बताएंगे हमें भाई? या तो जोय में तो बिल्कुल पक्का है, जोय में है उनका घर। यहाँ से कितने किलोमीटर है जोया? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर बाद है। तो भाई ये दोस्त हमारे आ चुके हैं अमरोहा रेलवे स्टेशन पे और ये हमें लेकर जाएंगे। तो अमरोहा में कहाँ पर है मोहम्मद शमी का घर? मोहम्मद शमी का घर एक गांव पड़ता है, कहाँ पर? डोली से आगे अलीनगर। अलीनगर तो लगभग कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? लगभग यहाँ से होगा 18-19 किलोमीटर। 18-19 किलोमीटर कितना टाइम लग जाएगा? लगभग लगभग 20 मिनट। 20 मिनट तो चलते हैं इनके भाई के साथ में। चलो जी फिर आओ, घुमा कर लाओ जब यहाँ तक आए हैं तो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पवेलियन और यह है अमरोहा की बड़ी फील्ड। और ये भाई कह रहा है कि भाई एक टाइम था, मतलब मोहम्मद शमी यहाँ पर भी क्रिकेट खेले हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी फील्ड। अमरोहा से 7 किलोमीटर हम आ गए हैं जोए तक भाई। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं NH 24 जो कि सीधा दिल्ली से आ रहा है और इधर पीछे लखनऊ जा रहा है। तो अभी हम जाने वाले हैं और आगे, अभी 7 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर है। अभी मोहम्मद शमी का घर है जहाँ पर, तो ये जोया है, इससे आगे आएगा डिडोली, फिर आएगा मेरे दोस्त को बताएं, वही बताएगा, वही लेकर जाएगा, तभी बताता हूँ। बोलो 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 बोलो, कितनी दूर हो रहे भाई अभी? अभी भाई 10 से 11 किलोमीटर दूर है। अच्छा तो चलो भाई जल्दी। आखिरकार हम अमरोहा से 18 किलोमीटर का सफर करके आ चुके हैं मोहम्मद शमी के गांव में अलीनगर सहसपुर। एक रोड ये गई है, एक रोड ये गई है, पीछे उधर की साइड उनका घर है, लोकेशन पे दिखा रहा है फार्म हाउस। और हम कैसे कैसे आए, तो सबसे पहले हम अमरोहा में थे, अमरोहा से 7 किलोमीटर जोया, जोए से हमने लेफ्ट मारा और लेफ्ट मारने के बाद जो मुरादाबाद को रोड गई है उस रोड पे पहले आएगा डिडोली, उसके बाद ढकिया चमन, ढकिया चमन के बाद ही पुल के नीचे से रोड कट रही है भाई अलीनगर सहसपुर के लिए। तो पीछे की तरफ उनका उधर है फार्म हाउस, वो सामने वाइट वाइट दिख रहा है, तो उधर ही चलते हैं अभी और देखते हैं। हम आ चुके हैं बिल्कुल मोहम्मद शमी के घर के पास और आप देख सकते हैं पीछे वो रहा उनका विला या फार्म हाउस और इसी के पीछे इनका प्रैक्टिस ग्राउंड है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी चलते हैं इसके पास में। तो आप देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी हरा भरा है भाई, और ये एक खड़ी है, एक जो होती है गन्ना जिससे शुगर बनती है चीनी। और ये देखिए कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है मोहम्मद शमी के घर का, और काफ़ी लॉन्ग है यार आगे तक, अभी चलते हैं आगे। तो वॉल के ऊपर लगा है जाल और आप देख सकते हैं काफ़ी प्लांट्स लगे हैं, पौधे लगे हैं, और रोड भाई इस तरह की है और गेट आ गया है करीब में। ये देखिए ये रहा मेन गेट भाई, काफ़ी बड़ा गेट लगा है और एक छोटा गेट भी है और गेट कीपर भी है, पता करते हैं उससे कुछ। खेल चल रहा है ना अभी, खेल चल रहा है, तो कब आएंगे मोहम्मद शमी यहाँ पर खेल खत्म होने के? कितने दिन बाद? 6-6 महीने ना आते, 6 महीने नहीं आते? अच्छा जी, तो उसकी देख रेख करते हो आप खाली फार्म हाउस के हैं? आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी के फार्म हाउस का गेट और ये छोटा गेट है, यहाँ पर एक गार्ड भी है, तो वो कह रहा है कि अभी तो यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर कब आते हैं मोहम्मद शमी? कुछ मालूम नहीं यहाँ पर कब आते हैं। अच्छा कभी भी आ जाते हैं? कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। अच्छा अभी तो मैच वगैरह चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अभी तो उसी में बिजी हैं। अच्छा भाई उनका घर कहाँ पर है जो पुश्तैनी घर है उनका? घर पहले भी ये हुआ करता था, अभी इन्होंने फार्म हाउस बना दिया यहाँ पर। अच्छा बाकी फैमिली पीछे ग्राउंड है। अच्छा रेस्टिक वगैरह चलती है उनकी। अच्छा बाकी फैमिली कहाँ पर रहती है उनकी? इनकी पाकबड़े में है। अच्छा तो भैया आप देख सकते हैं ये मोहम्मद शमी का फार्म हाउस है भाई, और काफी लॉन्ग है, काफी बड़ा है। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ के गार्ड से मिले तो उसने कहा कि भाई ऐसे हम इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं है किसी भी चीज की।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसके लिए परमिशन चाहिए भाई अंदर जाने के लिए फार्म हाउस के लिए। खैर हम यहाँ तक आए, हमें नॉलेज मिली, हमने घर देखा, फार्म हाउस देखा, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। कहाँ से हो आप? खैया। खैया बताइए, तो ये किनका घर है? ये शमी भाई का। शमी भाई का, तो कब आते हैं शमी भाई यहाँ पर? शमी भाई ऐसे इनके मैच पूरे हो जाते हैं जब आते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जिशान। मोहम्मद शमी भाई का पुराना घर कहाँ पर है? आगे। कौन सा गांव है, नाम क्या है गांव का? वो है सैंसपुर। सैंसपुर, अच्छा, तो अमरोहा में लगता है वो डिस्ट्रिक्ट। हाँ, में डिस्ट्रिक। अच्छा अमरोहा। अच्छा भाई, ये फार्म हाउस है प्रैक्टिस के लिए? वो प्रैक्टिस ग्राउंड ये है पीछे। अच्छा, ये यहाँ पे लोकल लड़के मिल गए कुछ, और वो बहुत सारी हेल्प करना है। हालांकि भाई ओपन नहीं हो सकता ये फार्म हाउस, कुत्ते भोंकने की भी आवाज़ आ रही है अंदर से। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है इसके अंदर, जहाँ पर मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं मोहम्मद शमी। अक्सर आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, इसमें तो ताला डला है भैया, तो मतलब भाई है। तो भैया आप देख सकते हैं, ये रहा मोहम्मद शमी का प्रैक्टिस ग्राउंड, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं मतलब अपने फार्म हाउस पर जब आते हैं छुट्टियों में। तो ये बिल्कुल इनके फार्म हाउस के पीछे है, मतलब फार्म हाउस है, इनके ग्राउंड बनाए हैं फार्म हाउस के अंदर, और यहाँ पर काम भी चल रहा है। ये देखिए, अक्सर मोहम्मद शमी इस पर नेट पर प्रैक्टिस करते हैं बॉलिंग की अपनी। अभी थोड़ा काम चल रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये मतलब इसको प्रिपेयर करते हुए। तो काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है इनका, ये देखिए पीछे की तरफ विला है ये। आप बता रहे थे अपने पापा के बारे में, बताइए दोबारा से। मेरे फादर इनके साथ खेले हुए हैं। अच्छा, हमारे गांव में ग्राउंड हुआ करता था, तो मतलब सब जितने भी चाचा ऊंचा चाचा ने पापा ने मन ऑफ द मैच कब आउट दिया इन्हें सभी भाई। अच्छा, यहाँ मतलब लोकल टूर्नामेंट होती थी जब? लोकल टूर्नामेंट जब ये क्रिकेट में पहुंचे नहीं थे, तो मतलब वो जीत मिजोरी चल रही थी गाँव में। अच्छा, हम उन्हें बुला के लेकर आएंगे। हम वो हमारे पापा ऊपर बोले, चलो भाई तुम चाहे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को बुला लो। हाँ, तो जब बुला के लेकर आए थे समी भाई को, पीछे चावला को। अच्छा, पीयूष चावला। पीयूष चावला भी तो यही मुरादाबाद के हैं ना? मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, स्पिनर बॉलर हैं। तो कहाँ पर हुआ था मैच? खैया से, खैया में। खैया में हुआ था, तो आपके पापा ने दिया था? आपके पापा ने दिया था मैन ऑफ द मैच? चाचा ने। तो आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई भाई। भैया देख सकते हैं आप, ये मोहम्मद शमी का एरिया है भाई। मोहम्मद शमी क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने भाई 3 मैचों में ही वर्ल्ड कप के आग लगा दी, हिला डाला सबको भाई। तो ये देख सकते हैं फार्म हाउस कितनी भाई हरी भरी जगह में है, और उनका गांव भी यहाँ से करीब है जहाँ पर उनका पुश्तैनी घर है ये। बाकी हमें फार्म हाउस देखने को मिला भाई इनका, तो काफ़ी मतलब मज़ा आया देखने में कि भाई अब काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है, और यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी। आज के वीडियो में हमने देखा मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने वर्ल्ड कप में आती ही धूम सी मचा दी, उनका क्षेत्र, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अभी भी दिख रहा है बैकग्राउंड में उनका फार्म हाउस, और इसी के करीब में इनका घर है भाई। तो क्षेत्र देख के और एरिया देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई भाई, काफ़ी हरा भरा एरिया है और चारों तरफ ईक लगी हुई है, और ये अमरोहा क्षेत्र है भाई। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे मोहम्मद शमी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आता है ना अमरोहा, तो ये देख सकते हैं आप अमरोहा क्षेत्र में, ये अलीनगर सहसपुर गांव है, और यहीं से हैं मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह, तब तक के लिए बाय।